स्वागत है आप सभी लोगों का उज्जैन में। आज हम देखेंगे कुछ धर्मशाला और होटल उज्जैन में। यह है उज्जैन का स्टेशन और इसी के बगल में है होटल अवंतिका। यहाँ पर आप ले सकते हो रूम भी और डोरमेट्री भी। साथ ही में आप देखो कुछ और भी स्टे ऑप्शंस रास्ते में। और इसी के रास्ते में आता है भाई श्री 24 खंबा माता मंदिर। इसको देखने के बाद हम पहुंच जाएंगे भाई अपनी धर्मशाला जहाँ पे मैं रुका हुआ था। और इसके साथ साथ आप रुक सकते हो राजपूत धर्मशाला में भी। तो कुछ स्टे ऑप्शंस देखेंगे हम यहाँ पर उज्जैन में। तो फिर से स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए व्लॉग एक नई वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त नितिन तिवारी। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो भाई हम पहुँच चुके हैं उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन। तो सबसे पहले तो भाई हर हर महादेव। तो भाई अब मैं आपको दर्शन कराऊंगा उज्जैन महाकाल। बट उससे पहले मैं आपको बताऊंगा यार रुकने की व्यवस्था कैसी है, मतलब कहाँ आप रुक सकते हो या फिर कहाँ मैं रुकाऊँ। तो डिस्टेंस बता दूँ मैं आपको, यहाँ से जो ज्योतिर्लिंग है मतलब जो मंदिर है वो 1.7 किलोमीटर। तो वैसे तो आप पैदल जा सकते हो, नहीं जाना तो आप 10-20 रुपये देकर, इतना ही होगा यार, मतलब 10-20 रुपये देकर आप मंदिर तक जा सकते हो। कुछ 1.7 किलोमीटर है यहाँ से मंदिर। और जहाँ मैं रुकाऊँ वो है 2.3 किलोमीटर अंजना समाज धर्मशाला। धर्मशाला बुक कराई थी मैंने ऑनलाइन ही। तो 2.3 किलोमीटर धर्मशाला, 1.7 किलोमीटर मंदिर है, तो आप देख सकते हो। वैसे डायरेक्ट मंदिर जा सकते हो बट मैं तो पहले रुकूंगा। तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, एक दो ऑप्शन अगर मुझे और दिखेंगे तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कि आप उज्जैन में आके कहाँ पर रुक सकते हो। भाई पीछे हमारी ट्रेन खड़ी है उधर जिससे अभी हम आए हैं। काफ़ी बढ़िया सफ़र रहा, अगर आपने वो नहीं देखा है तो इससे पीछे वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल स्वागत है आपका उज्जैन में, हर हर महादेव। चलते हैं भैया अंदर। तो काफ़ी टाइम से थोड़ा मैं इधर को आ गया था। ये प्लेटफॉर्म नंबर 3-4 है। अभी चलते हैं बाहर को, आपको थोड़ा स्टेशन दिखाता हूँ, रुकने की व्यवस्था दिखाता हूँ, फिर शायद अगली वीडियो में हम दर्शन करेंगे उज्जैन महाकाल। तो हर हर महादेव। तो ये खड़ी है भाई अपनी ट्रेन और ये है उज्जैन जंक्शन। वैसे तो आप फुट ओवर ब्रिज से आ सकते हो भाई, मैं तो यहीं से आ गया। यह उज्जैन है, वो अपनी ट्रेन खड़ी है, वो तो यहीं से क्रॉस करके आ गया भाई प्लेटफॉर्म नंबर 1। थोड़ा सेफली आना पड़ता है बस, देखते देखते अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ गए। चलो आप बाहर चलते हैं, थोड़ा आपको स्टेशन दिखाता हूँ। ये भाई प्लेटफॉर्म नंबर 1। इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, या तो सुबह का टाइम है इसीलिए होगा ये। यहीं पे ये पूछताछ इंक्वायरी। चलो बाहर चलते हैं। ये ऑटो स्टैंड है भाई पूरा यहाँ पर। क्या आपको स्टेशन दिखाता हूँ मैं उज्जैन। तो ये मेरे पीछे है भाई उज्जैन जंक्शन और ये मैं बाहर निकल गया। जैसे आप बाहर निकलोगे आपको राइट को चलना है, जैसे लेफ्ट में भी लोग जा रहे हैं, लेकिन अब ये बाहर निकलोगे और राइट की तरफ को है, तो राइट की तरफ को चलते हैं। बाकी ये है उज्जैन जंक्शन, काफ़ी पुराना जंक्शन है भाई, बिल्डिंग देखे तो काफ़ी पुराना ही लग रहा है। अब चलते हैं भाई उस साइड को, दिखाता हूँ आपको। ये भाई उज्जैन जंक्शन है, जैसे आप इससे बाहर निकलोगे ना ये रुकने के लिए अवंतिका होटल, तो आप बहुत ही पास रुकना, ये बिल्कुल जंक्शन है। देखो आप यहाँ से बाहर निकलोगे और इसके बिल्कुल राइट में ही है ये। तो यहाँ पर भी जाकर मैं आपको रूम वगैरह दिखा देता हूँ,
यहाँ पर भी रुक सकते हो आप। सर यहाँ से बाहर निकलते हैं। ये भैया जंक्शन से बाहर निकला, बगल में ही है, कहीं नहीं चलना आपको। जंक्शन से बाहर निकलोगे और ये रहा अवंती का रेलवे एसी रूम डोरमेट्री रेस्टोरेंट। तो ये काफ़ी बढ़िया है, बिल्कुल जंक्शन के बगल में ही है। बाकी रेट वगैरह देख लेते हैं इसके। पार्किंग वगैरह भी है इसी में, लग तो बढ़िया रहा है भाई। वो रहा देखो, वो ये उज्जैन का जंक्शन है सामने, यहाँ से होगा वो सीधे बगल में ही है ये अवंती का। रूम वगैरह पता कर लेता हूँ, यहीं पे आपको शिवलिंग दिख जाएंगे भाई। सर इनका रेस्टोरेंट भी है, खाने का और रुकने वगैरह का भी है। रेलवे के साथ कोलैबोरेशन है शायद इनका ना, तो रेलवे डोरमेट्री बेड भी लिखा हुआ है। चलो दिखा देता हूँ अभी मैं आपको। इसमें भाई आप डायरेक्ट ना स्टेशन से भी आ सकते हो। देखो मैं तो मतलब वहाँ से घूम के आया था इस तरीके से, ऐसे तो है तो दूर वो भी नहीं, बट ये स्टेशन से डायरेक्ट एंट्री है इसकी। देखो ये प्लेटफॉर्म 1 होगा ये, और यहाँ से आप डायरेक्ट निकल के सीधा आ जाओगे अवंती गांव में। तो बिल्कुल ये स्टेशन से जुड़ा हुआ है, ये उज्जैन जंक्शन है और उससे बिल्कुल मिला हुआ है ये फैसिलिटीज़ है यहाँ पर। एसी रेस्टिंग रूम, एग्जीक्यूटिव लॉन्च, तो ये फैसिलिटी है भाई। ये आ गए भाई हम फर्स्ट फ्लोर पर। अभी कुछ नहीं, और ये कार्ड वगैरह है, इस पर आप बात कर सकते हो ऑनलाइन बुक करने के लिए ना। बाकी रूम देख लेते हैं एक बार। रूम तो बढ़िया है भाई, देखो कितने 2, 3, 4 लोग आ सकते हैं इसमें, तो 5। सबसे छोटा रूम यही है हमारा। सबसे छोटा रूम यही है, और क्या चार्जेज हैं इसके नीचे बताएंगे। अच्छा, बाकी रूम बढ़िया है भाई। ये वेस्टर्न है ना, वेस्टर्न भाई, एसी वगैरह है तो ये तो सही है, 3-4 लोगों के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है भैया। और सबसे छोटा रूम यही अवेलेबल है। ये बढ़िया था, मतलब काफ़ी बढ़िया रूम है। बाकी ये कुछ डोरमेट्री, अगर आप डोरमेट्री लेना चाहो ना, डोरमेट्री भी बढ़िया है। इधर वॉशरूम वगैरह है, ये बढ़िया भाई, अगर डोरमेट्री लेना चाहो ना। ये है भाई रूम चार्जेस, रूम के चार्जेस देख लो आप। ये रिसेप्शन है, बाकी भाई मैंने आपको इसमें रूम पर डोरमेट्री दिखा दी। रूम का वो 4480 कह रहे थे, जिसमें कि मतलब ब्रेकफास्ट भी था, 3-4 लोग आराम से रह सकते हैं उसमें। 4480 रुपये था उसका, और मैंने आपको रूम दिखाई दिया। बाकी वो 3000 रुपये आ गए थे, मतलब मैं सिंगल था तो कहते 3000 में दे देंगे, तो थोड़ा बहुत बार्गेनिंग स्किल्स आपके ऊपर है। मतलब 3000 या 4480 कहते। बाकी डोरमेट्री ले सकते हो आप 12 घंटे 500 रुपये और 24 घंटे के लिए 750 रुपये। तो डोरमेट्री मैंने आपको दिखा दी, जो भी आपको सही लगा वैसा ले सकते हो, बिल्कुल स्टेशन के पास रुकना है। बाकी जहाँ मैं रुका हूँ वो तो मैं आपको दिखाऊंगा, जो धर्मशाला है। तो चलते हैं अब सीधा तो धर्मशाला में। बाकी ऐसा कुछ था, ये अवंती का होटल है। तो ये मैंने आपको पूरा दिखा दिया, बाकी कुछ डाउट्स वगैरह हो तो इसके बारे में पूछना। बाकी फिलहाल मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मैं जहाँ पर रुका हुआ हूँ, अंजना समाज धर्मशाला। चलते हैं अब यहाँ से भाई। जाते जाते भाई कार्ड और देख लो आप, ये नंबर वगैरह हैं। बाकी भोजनालय भी है इनका, तो यहाँ पर भी आप खाना वगैरह का भी है, रेस्टोरेंट भी है, भोजनालय है, तो आप इस नंबर पर मतलब कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये रहा भाई, तो ये और दिखा दिया मैंने आपको, पूरी डिटेल दे दी है इसके बारे में। अब चलते हैं जहाँ पर मैं रुका हूँ, वो दिखाता हूँ आपको। आ गया था भाई स्टेशन के बाहर,
इंडिया नाश्ता, बहुत ही अफोर्डेबल रेट है। देखो जंक्शन के सामने काफ़ी बढ़िया अफोर्डेबल रेट है। तो ये जंक्शन के पास ना आपको बहुत खाने पीने का मिल जाएगा भैया, बिल्कुल जंक्शन है ये, क्योंकि बाहर निकलोगे सामने। मैंने इस पर खाया भाई, बढ़िया था यार ये तो, बंदे का नेचर ही बढ़िया है भाई। ये सामने इस पर खाया मैंने, बढ़िया नेचर है इसका। बाकी बहुत सारे हैं यहाँ पे अब खाए तो। बाकी अब हम चलते हैं भाई मंदिर की तरफ। यहाँ पर हम रुके, मैं उधर ही को है मेरा रुकना भी, तो वहीं को चलते हैं अब। ये कुछ मार्केट है भाई, चलो। और ये बिल्कुल स्टेशन के पास में ही है भाई बस स्टैंड। देखो ये सामने वो बिल्डिंग दिख रही है, वो उज्जैन जंक्शन है। बाहर निकल के आप राइट में आओगे, मुश्किल से 50 मीटर है ये बस स्टैंड। कल ओंकारेश्वर के लिए हम बस लेंगे यहाँ से, तब दिखाऊंगा मैं आपको। ओंकारेश्वर के लिए ना यहीं से बस लेंगे, तो कल आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल मतलब स्टेशन के पास में ही है ये बस स्टैंड। भैया आ गया अपना गेट भाई, ये लिखा तो है यहाँ पे 1 किलोमीटर। यहाँ से लिखा हुआ रामघाट 1.5 किलोमीटर, महाकालेश्वर 1 किलोमीटर। चलो यहाँ से चलेंगे अब। बाकी ऐसे भाई आपको ये बाइक में आया अभी घूम कर। बाकी यहाँ पे होटल्स ही होटल्स है यार, देखो ना। ये मैं रोड से सामने आ रहा हूँ, ये पूरी लाइन से होटल ही होटल होटल ही होटल मिलेंगे आपको। ये मतलब पूरा रास्ता बना रखा, सीधे चल के जाना है हमको। मैं तो पैदल पैदल ही जा रहा हूँ। क्या अब अपने पास टाइम था तो मैंने कहा ऑटो क्या लेना था, 10-20 रुपये में मिल जाता, तो मैंने कहा पहले पहले चलते हैं, टाइम भी काटना ही है। इतना मार्केट खुला नहीं है, थोड़ा भीड़ नहीं है भाई, भीड़ हो जाती होगी वरना यहाँ पे। जब शाम को दिखाऊंगा अगर शाम को मौका मिलेगा। हरिद्वार में भाई जैसे हर की पौड़ी का मार्ग है ना, बिल्कुल सेम वैसा ही याद दिलाता है ये। जब आप पैदल पैदल जाओ आइट साइड आपको रूम दिख जाएंगे, बैरिकेटिंग आ गई यहाँ पर, पोहा मिल जाएगा, सेम डिट्टो। शहर में वही चौराया आ गया, बैरिकेटिंग देखो। ये पता नहीं कौन सी गली से मैं आ गया भाई मैं। यहाँ एक मंदिर है, बाकी एक होटल ये भी है। तो सच्ची होगी यहाँ से आया हूँ मैं, यहाँ चलते हैं साईं बाबा मंदिर। यहीं पर है भाई श्री 24 खंबा माता मंदिर, तभी यहाँ इतना शोर मच रहा है। खैर विजिट करूँगा तो उसमें दिखा दूंगा, अभी आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। जब दर्शन करने आएंगे तो पूरे में ही आएंगे। ये है भाई 24 खंबे, मैंने रास्ते में ही पढ़ा था। पूरे दर्शन करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा ही। खैर चलो पहले अपने धर्मशाला पहुंचते हैं। इस साइड भीड़ ज़्यादा है भाई। भाई रुकने की व्यवस्था तो नहीं, दिक्कत होगी आपको। ये देखो यहीं पर जहाँ खड़े होगे, जहाँ गर्दन घुमाओगे आपको गेस्ट हाउस से गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। बाकी वीडियोस में नंबर वगैरह आ रहे हैं, अगर आपको बिल्कुल रामघाट के पास मतलब मंदिर यहाँ से पैदल पैदल है, पैदल पैदल आप मंदिर वगैरह जा सकते हो, रामघाट पीछे है, तो इन नंबरों पर पता कर सकते हो। बाकी मैं अपना दिखाऊंगा, मेरा भी आगे ही है, और रामघाट अभी आगे को ही है, अभी दिखाता हूँ आपको। चलते चलते भाई मैं आ गया यहाँ, 100 मीटर दिखा रहा है, मतलब सामने ही कहीं है। एक गलियों में से होते होते गलियों में होते होते आ गया भाई। अब रूम वगैरह दिखाता हूँ आपको ना, रूम वगैरह दिखाता हूँ। यहाँ पर आ गया भाई, देखो राजा बाबू महाकाल मार्ग। अब यहाँ से यहाँ मुड़ने को दिखा रहा है, इन कहीं में होगा कहीं, देखता हूँ पहले मैं ढूंढ लूँ फिर बताता हूँ। ये आ गया अपना।
पहुंच गया भाई मैं अपनी धर्मशाला, अंजना समाज धर्मशाला। थोड़ी सी मैं आपको यार इसकी लोकेशन समझा दूँ। यहाँ से कुछ 1.5 किलोमीटर है जो ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, और फिर 100 मीटर है रामघाट। मैं सुना होगा रामघाट काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पर, तो खाली 100 मीटर पैदल पैदल है रामघाट और 1.5 किलोमीटर है यहाँ से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का, पैदल पैदल जा सकते हो। फिलहाल ये अंजना समाज धर्मशाला है। पार्किंग है ये, काफ़ी बड़ी पार्किंग है। अगर रूम तो मुझे ऐसे लगा कुछ 533 रुपये दे रहा हूँ मैं इसके, यात्रा धाम से मैंने बुक किया। तो वैसे आप इसको ऑनलाइन ही बुक कर दो, नंबर से बुक कर सकते हो, मैं नंबर लिख दूंगा नीचे। बाकी जो मैं आपको भी रूम दिखा दूंगा 533 रुपये दो लोग हो यार तो वर्थ है। लोकेशन बढ़िया, खाली 100 मीटर रामघाट है, इसे थोड़ा मैंने इसको बुक कर दिया था। बाकी रूम तो मुझे ऐसे ही लगा, दो लोगों पर तो बहुत ही वर्थ है। बाकी मैं भी आपको रूम दिखा दूंगा, आप खुद डिसाइड कर लेना। बाकी ठीक पीछे मेरा रामघाट ही है, यहाँ पैर पैर चले जाएंगे, मंदिर भी पैर पैर चले जाएंगे। बाकी मैं आपको थोड़ा बहुत रूम दिखा देता हूँ भाई यहाँ का। फिर सामने रामघाट है, खाली 100 मीटर रामघाट है, पैदल पैदल जा सकते हो। और ये है अंजना समाज सन 2014 से। बाकी ये पार्किंग वगैरह है, आप गाड़ी वगैरह लाते हो तो मतलब अंदर शेड में पार्क हो जाएगी, कुछ लोग ही खड़ी है। बाकी मैं आपको रूम वगैरह दिखा देता हूँ, ऊपर चढ़ के जाना है भाई। पार्किंग तो बड़ी है इनकी। ऊपर चढ़ते ही भाई आपको दिख जाएगा ये रिसेप्शन। मैं नंबर दिखा देता हूँ आपको, इस नंबर से आप बुक कर सकते हो अगर आप चाहो ना, अगर आपको यात्रा धाम से बुक नहीं करना है तो। बाकी अब आपको रूम दिखाता हूँ, ये रिसेप्शन का एरिया है, पूरा कॉमन एरिया है, मतलब ये ऊपर भी जा रहे होंगे रूम। बाकी अपना दिखा देता हूँ यार, हमको तो बहुत पुराने उसमें दे दिया इन्होंने। पीछे ये पुरानी बिल्डिंग है, चलो जो भी है। हाँ ये पुरानी बिल्डिंग है भाई, और ये अपना नंबर आ गया 6 नंबर। रूम तो भाई थोड़ा आपको ऐसे ही मिलेगा, ये दो लोग हैं मतलब दो बेड में सो सकते हो आप यहाँ पर। बाकी ऊपर पंखा है ही, बाकी वॉशरूम वगैरह है। ये कॉमन रूम है, मतलब कॉमन प्लेस है, सामने वॉशरूम है। तो ऐसा कुछ है यार भाई, मतलब मुझे ठीक लगा इतना भी खा लेना फैमिली फोन का भाई। ऑप्शन बहुत है यहाँ पर यार, शायद ऑनलाइन इतने ना मिले। मैंने आपको रास्ते में आते कितने होटल दिखा दिए होंगे, वीडियो में उनके नंबर भी आ गए होंगे, बाकी सब मेन जगह पर ही हैं। तो बहुत ही ऑप्शन है यहाँ पर, मेरे पास लोकेशन सही थी तो मैंने ये ले लिया। और उन्होंने बोला था बाकी था रूम कुछ ऐसा, भाई इस वीडियो को रखेंगे यहीं तक। बाकी और कुछ अगर आपको पूछना वगैरह होगा तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर बताना। फिर अगली वीडियो में भाई दर्शन करेंगे उज्जैन में महाकाल और रामघाट, सिद्धि माता मंदिर, जो जो भी मतलब देखने लायक है वो सब देखेंगे, वो सब नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो कैसे लगी बताना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये आ गया भाई चौराया सामने ही अपना, जहाँ मैं रुका हूँ अंजना समाज धर्मशाला। और पैदल पैदल 100 मीटर रामघाट है, अब रामघाट चलते हैं। ये आ गया देखो यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है कमरा किराया 300 रुपये से शुरू। ये राजपुर बिल्कुल मेन जगह पर है, ये धर्मशाला है, और ये सामने रामघाट है ये इस साइड। तो यहाँ पर ले जाना मतलब अगर आपको चाहिए यहाँ पे भी रूम।